राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गांव मथाना में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रांगण में अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया। वहीं इंस्टीट्यूट के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री बनवारी लाल ने इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। बनवारी लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज गांव मथाना के अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रांगण में अंबेडकर जी की मूर्ति का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अच्छी पहल है। जहां पर भी हमारे ऐसी इंस्टीट्यूट है वहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई जाएगी, ताकि जब भी वहां पर बच्चा आए तो उसे सबसे पहले अंबेडकर जी की मूर्ति के दर्शन करे और उसे प्रेरणा ले। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रांगण में बाबा साहब के जो मूर्ति का अनावरण हुआ, मूर्ति का लोकार्पण हुआ, उस मौके पर आदमी आए थे, तो मैं सबसे पहले तो बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। और एक बहुत अच्छी पहल सुल्तान कटारिया जी ने की है कि जो भी हमारी एजुकेशन संस्थाएं हैं उनके अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगाना एक तरह से प्रेरणा स्रोत है। और जब भी कोई बच्चा यहाँ इस संस्था में आएगा तो वो सबसे पहले बाबा साहब से के दर्शन होंगे और उनसे प्रेरणा लेगा और उसके आगे बढ़ेगा। मंत्री जी, आज आपने ऑनलाइन की बड़ी तारीफ की है मुख्यमंत्री जी के कामों की, और ऐसी समाज को जो मिली सुविधाओं की, उसके बारे में क्या बताएं? देखो, मैंने अभी बताया कि जिस तरह से जो ऑनलाइन सर्विसेज है हमारी, उनका फ़ायदा सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को हुआ है। और मैंने गिनाया कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट हम पहले किसी दफ्तर में जाते थे तो हमें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, कभी कोई अधिकारी नहीं मिलता और थक हार करके लोग बैठ जाते थे। लेकिन आज किसी अधिकारी के आगे किसी आदमी को अपने अधिकारों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ते। इस तरह की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो, चाहे हमारी जो सुविधाएं उनके रूप में हो, चाहे पेंशन है या आपका स्टाइफंड है या आपका कोई जैसे फसल का बीमा वगैरह की राशि, ये सारी चीज़ें खाते में आती हैं और भ्रष्टाचार कम हुआ है। मंत्री जी, आपकी भाजपा की सांसद है मेनका, उन्होंने इस्कॉन जो संस्था है उसको बड़ा धोखेबाज संगठन बताया है और कहा है कि जो इस्कॉन की गौशालाएं हैं वो अपने गाँव को किसाइयों को बेचते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, इसका इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो फार्मेसी कॉलेज में पूछे हैं क्या सौगाती गई है। देखो, आज इस संस्था में पहले भी हमने अनुदान दिया है और आज भी हमने 11 लाख रुपए की घोषणा की है, ताकि ऐसी संस्थाएं जिससे आसपास के बच्चों को लाभ मिले और ऐसी संस्थाओं से लाभ लेकर के बच्चे आगे बढ़े। मंत्री जी, सुरेश भाई कटारिया जी लगातार सामाजिक कार्य करते रहते हैं, सर इनके लिए क्या कहेंगे? देखो, अच्छी बात है, मैं तो उनकी तारीफ करता हूँ कि जिस तरह से वो समाज के लिए हर क्षेत्र में समाज की बातों को उठाते हैं, समाज की जो समस्याएं हैं उनको उठाते हैं, तो ये अच्छी बात है। और समाज के लिए जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और बहुत बहुत